लास्ट टर्म पर हम लोगों ने कुछ अलील्स के बारे में स्टडी करा था, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, एंड ये हमारा अलील है, कौन सा अलील है? वाइल्ड अलील है. तो हमें ध्यान रखना है कि वाइल्ड अलील को नॉर्मल अलील या अनमॉडिफाइड अलील भी बोलते हैं. जो लास्ट टर्म पर पढ़ा था ना, अलील एक हमारा वाइल्ड अलील था, ठीक है, एंड ये बाकी अलील्स हैं. वाइल्ड अलील कौन सा अलील था? वाइल्ड अलील वो वाला अलील था जो कि प्रेजेंट है शुरू से नेचर में, यानी जब से पहली बार जो जीन बना था. अभी जीन का कंसेप्ट और क्लियर करेंगे. सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबसे पहले जो जीन बना था और ओरिजिनली प्रेजेंट था, ये हमेशा डोमिनेंट होता है और सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है. और इसे एक नेचुरल या नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, जो हम अभी स्टडी करेंगे. एंड दूसरा था म्यूटेटेड. तो ये आपका एक किसी हम अलील की बात, ये जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले जब जीन की बात कर रहे हैं तो अलील की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. अलील आप समझते हैं कि यहाँ पर एक अलील होगा और यहाँ पर एक अलील होगा. तो जब हम वाइल्ड अलील की बात करते हैं, कौन से अलील की बात कर रहे हैं? वाइल्ड अलील की. और वो अलील कौन सा है? जिस अलील की बात कर रहे हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या इनकोड कर रहा है. कोई सा भी एंजाइम हो सकता है, प्लांट का एंजाइम हो सकता है, एनिमल का एंजाइम हो सकता है, हम किसी भी एंजाइम की बात कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. तो फर्स्ट टाइम पर जब ऑर्गेनिज्म बना है, आप प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है. कोई प्लांट है और उसमें एक एंजाइम है, और वो एंजाइम से क्या बन रहा है? कलर बन रहा है, ठीक है. कोई स्पेसिफिक कलर बन रहा है. तो सपोज कर लीजिए वो कलर था, वो रेड कलर था. सबसे पहले कोई प्लांट है और वो प्लांट अभी स्पीशीज बनी है, तो उसका जो यहाँ पर कलर डिटरमाइन करने वाला जो लोकेशन है, ठीक है, दोनों लोकेशन पर एक ही अलील होगा, ठीक है, सेम अलील होगा दोनों लोकेशन पर. उसे आप चाहे डोमिनेंट बोल लीजिए, ठीक है, या फिर आप उसको वाइल्ड बोल लीजिए, ठीक है. कलर है तो रेड कलर है तो आप आर से भी डिनोट कर सकते हैं. तो चाहे आप उसे डोमिनेंट बोल लीजिए या फिर आप उसको क्या बोल लीजिए, वाइल्ड बोल लीजिए. तो इस जगह पर वो क्या है? प्रेजेंट है, क्योंकि एक ही है अभी. कौन सा है? एक ही तरीके का है. तो सबसे पहले जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड. और वाइल्ड अलील ही क्या होता है? नॉर्मल होता है. अभी कुछ बना नहीं, अभी बहुत, मतलब अपन कह रहे हैं कि अभी स्पीशीज कोई नई नई बनी है, बहुत मिलियंस ईयर पहले की बात है. और वो अलील अनमोडिफाइड होता है. तो आपको ध्यान रखना है, वाइल्ड अलील को नॉर्मल अलील भी बोलते हैं, अनमोडिफाइड अलील भी बोलते हैं. सबसे पहले जो बना, तो सबसे पहले तो एक ही बना होगा ना, ये एक ही टाइप का अलील होगा, वाइल्ड अलील एक ही अलील है. और वो अलील कौन सा है? वाइल्ड है, ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया, बहुत सारे चेंजेस आते गए, इन्वायरमेंटल चेंजेस आते गए, फूड के चेंजेस आते गए, और कभी कभी खुद भी ऑटोमेटिकली भी एक जो जेनेटिक कोड होता है वो मॉडिफाई हो जाता है. तो हम देखते हैं कि क्या मॉडिफाई हो रहा है. देखिए, ये जो है ये आपका नॉर्मल अलील का एक कोड है. ये आपके नॉर्मल अलील का क्या है? एक कोड है. आपने 11th क्लास में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पढ़े हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. तो ये तीन तीन मिलकर क्या बना रहे? कोड बना रहे. ये कुछ कोड है, ठीक है. तो सपोज कीजिए रेड कलर के लिए सबसे पहले रेड कलर का क्या बना था? अली फर्स्ट अलील रेड कलर का था किसी प्लांट में, और वही क्या था? डोमिनेंट था. आप डोमिनेंट बोल दीजिए या फिर वाइल्ड बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि अभी यही अकेला ही है, दोनों क्रोमोसोम पर यही प्रेजेंट है. ये दोनों पर यही है. इसको आप चाहे वाइल्ड बोलो, चाहे आप इसको डोमिनेंट बोलो. फिर क्या हुआ, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कुछ चेंजेस होते चले गए और जेनेटिक कोड में फर्क आ गया. ये कोड है, ठीक है, ए जी सी ए कोड है, टी ए जी ए कोड है, जी टी ए कोड है, और जी सी टी ए कोड है. ये क्या है? हमारा डीएनए है. व्हाट इज दिस? डीएनए. हमने जीन के बारे में स्टडी करा है. ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन क्या कहलाती है? दिस इज जीन. एंड वॉट इज जीन? जीन इज एक्टिव डीएनए. ये हमने स्टडी करा है, जीन इज एक्टिव डीएनए. तो ये डीएनए का ही तो सीक्वेंस है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. एंड आरएनए का क्या था? थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा दिया था. सो दिस इज अवर डीएनए. एंड वॉट इज डीएनए?
सॉरी दिस इज अवर जीन, ये जीन का कोड है, ये जीन है ठीक है, ये जीन है यहाँ पर ठीक है, और इस जीन का कोड क्या है, इस जीन का ये वाला कोड है ठीक है, ये पूरा कोड किसका है, इस जीन का ठीक है। अब इस जीन का कोड ये तो नॉर्मल हो गया अपना, ये तो अपना वाइल्ड हो गया ठीक है। जीन क्यों बोल रहे, क्योंकि एक्टिव डीएनए, सॉरी इट इज नोन एज एक्टिव डीएनए। सो ये वाला डीएनए था, ये एक्टिव था ठीक है। नॉन एक्टिव डीएनए भी होता है, हमें पता है क्रोमोसोम है, बट नॉन एक्टिव से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो जीन है वो एक्टिव डीएनए है, तो ये डीएनए जो एक्टिवेशन में, और ये क्या कहलाएगा, पूरा बहुत लंबी सीक्वेंस होती है, इतनी सी नहीं होती, बहुत लंबी सीक्वेंस होती है ठीक है। तो ये क्या है, जीन है, और जीन में इस तरीके का एक सीक्वेंस चल रहा है। अब क्या हुआ कि नेचर में धीरे धीरे चेंजेस आते चले गए, फूड का चेंजेस, एनवायरमेंट का चेंजेस एंड केमिकल का चेंजेस एंड कभी कभी ऑटोमेटिकली भी कुछ चेंज हो जाता है। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से तीन तरीके से ठीक है मॉडिफाई हो गया। तो क्या बोला, मॉडिफाइड अलील, या क्या बोला, म्यूटेटेड। ध्यान रखोगे जो वाइल्ड एलील था, जो नेचर में सबसे पहले प्रेजेंट था, फर्स्ट प्रेजेंट था, वो वाइल्ड बोला हमने, और एक ही था, तो डोमिनेंट रिसेसिव का तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का अलील है दोनों तरफ ठीक है। ये दोनों तरफ है, ये भी, ये वाला जो है आपका अलील वो भी इसी इसी कोड का बना हुआ है, और ये वाला भी है अलील क्या है, इसी कोड का बना हुआ है, तो डोमिनेंट रिसेसिव की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस वाइल्ड है। आप डोमिनेंट बोलो उसको, कुछ भी बोलो, फिर चेंज आता गया। तो कोडिंग में चेंज आ गया, आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि कोडिंग में चेंज है। ये ए जी सी है तो यहाँ ए जी, एंड फिर सी टी टी एंड ए सी, सो देर आर चेंजेस। सो बहुत तरीके के क्या आ गए, चेंज आ गए। तो चेंज आने के बाद, जस्ट कोडिंग में चेंज आया है ना, और कोई चेंज नहीं है, लोकेशन वही रहेगी, इसी लोकेशन पर बनेंगे, सेम लोकेशन पर बनेंगे, लोकेशन कभी चेंज नहीं करना आपको, वो कोडिंग चेंज हो रही है, लोकेशन नेवर चेंजेस। जीन तो है ठीक है, अलील नए नए डेवलप हो रहे हैं, यही लोकेशन है, ये जो लोकेशन है, तो ये क्रोमोसोम था उस प्लांट का, और इस लोकेशन पर क्या हुआ, लोकेशन तो वही है ठीक है। अब अलील क्या हो गया, पहले इस अलील का कोड क्या था, ये वाला कोड था जो नेचर ने दिया था, रेड कलर दे रहा था, पर फिर क्या हुआ कि कोडिंग में क्या हो गया, चेंज हो गया है, एंड चेंज हो गया है, तो अब चेंज होने से जो अलील था वो अलील क्या कहलाएगा, म्यूटेटेड कहलाएगा। म्यूटेशन मतलब कुछ जेनेटिक कोड में चेंज, जेनेटिक कोड में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। सो यहाँ पर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया है ठीक है। सो म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो अलील था ये नॉर्मल था, इसको नॉर्मल बोलेंगे, ये नेचर ने दिया। अभी हम देखेंगे कि नॉर्मल अलील के और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं कि फायदे होते हैं। सो ये नॉर्मल था, एंड अब क्या हुआ, ये चेंज हो गया। तो जब चेंज हुआ ना कोड, तो चेंज क्या हो सकता है कि ये एक एंजाइम बना रहा था जो रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल था, ये वाला जो कोड है ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या बना रहा है, एक एंजाइम बना रहा है जो रेड कलर देता है। नाउ चेंज होने के बाद कोडिंग तो चेंज हो गई, बट कोडिंग इस तरीके से चेंज हुई कि कोडिंग तो चेंज हो गई बट अभी भी क्या बन रहा है, रेड कलर बन रहा है ठीक है। कोडिंग चेंज हो गई है बट इस तरीके से चेंज हुई है, मॉडिफिकेशन ऐसा हुआ है कि अभी भी रेड कलर बन रहा है, तो क्या हुआ, साइलेंट म्यूटेशन। कैसा म्यूटेशन हुआ, साइलेंट, साइलेंट म्यूटेशन, पता ही नहीं चला कि म्यूटेशन हुआ, कुछ चेंजेस तो हुए लेकिन आउटपुट जो प्रोडक्ट है ना वो तो बराबर सामने आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ हम लोग गलती कर देते हैं, या सपोज कीजिए कि आपने कोई कोल्ड ड्रिंक है, आपने कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी पी ली ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ी सी वाटर ऐड कर देंगे, तो सामने वाले को कई बार पता ही नहीं चलेगा कि आपने थोड़ा सा वाटर ऐड करा, दैट इज चेंजेस तो हुए बट वी डोंट नो कि चेंजेस एग्जैक्टली हुए। अंदर कोडिंग में चेंज, एक्सटर्नली कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर या फिर क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो गया कि चेंजेस तो हुआ पर वो रेड कलर ही बना रहा है, या दूसरा क्या हो सकता है कि चेंजेस हुआ लेकिन जो एंजाइम बन रहा है वो लेस एफिशिएंट है ठीक है। या तो नॉर्मल है यानी चेंज हुआ बट पता नहीं चला, रेड का रेड कलर ही बन रहा है, या फिर क्या हो सकता है कि चेंज हुआ बट लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, मतलब ऐसा कुछ बन रहा है जो उतना एफिशिएंट नहीं था जितना वाइल्ड अलील था ठीक है।
इसको साइलेंट म्यूटेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि हाँ म्यूटेशन तो हुआ है, क्योंकि एफिशिएंसी क्या हो गई है, रेड कलर की थोड़ी सी कम हो गई। तो एक तो ये चेंज हुआ, दूसरा क्या चेंज हुआ कि इसके जेनेटिक कोड में एडिनिन गुएनिन, एडिनिन गुएनिन साइटोसिन थाइमिन में कुछ चेंजेस आ गए, एंड चेंजेस आने की वजह से जो फंक्शन था जीन का वो पूरा लॉस्ट हो गया। मतलब ये जो कोड है आपका, जो कोड में चेंजेस आए हैं, वो एक्चुअली में कोई फंक्शन ही नहीं कर रहे। ठीक है, एंजाइम तो बना, ठीक है एंजाइम तो यहाँ पर बन रहा था, तो नॉर्मल एंजाइम बना था यहाँ पर, या फिर या तो नॉर्मल एंजाइम बना था, या फिर कौन सा एंजाइम बना था, लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट एंजाइम बना। ठीक है, तो चेंज आ गया है। अब नॉर्मल तो अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मल को हम साइलेंट म्यूटेशन ही बोलेंगे, पता ही नहीं चल रहा कि म्यूटेशन हो गई है, एंड लेस एफिशिएंट में कुछ पता चलेगा। अब आप देखो कि नए नए तरीके के अलील डेवलप हो रहे हैं, नए नए तरीके के अलील क्या डेवलप हो रहे हैं, एक अलील कौन सा डेवलप हुआ हमारा, एक अलील वो डेवलप हुआ जो कि एंजाइम तो वही दे रहा था रेड कलर का, बट कोड चेंज आ गया, तो ये अलील कौन सा डेवलप हुआ, नॉर्मल, बट चेंजेस तो आए ना, वाइल्ड से कुछ चेंजेस आ गए इसके अंदर। और दूसरा क्या था, लेस एफिशिएंट, ठीक है। फिर ये थर्ड कैटेगरी में क्या हुआ, एंजाइम तो बन रहा है बट फंक्शन ही नहीं कर रहा, मतलब कोड में ऐसा चेंज आ गया कि कोई एंजाइम तो बना रहा है लेकिन रेड कलर नहीं दे रहा है, कोई फंक्शन नहीं कर रहा। तो तीसरा अलील कौन सा हुआ, नो फंक्शन, कोई काम नहीं कर रहा। एंड फोर्थ टाइप का जो हमारा मॉडिफिकेशन हुआ है, उसमें एक ऐसा अलील डेवलप हुआ है, ठीक है, अलील मतलब ये ओरिजिनल अलील से ही मॉडिफिकेशन होता जा रहा है, मॉडिफाई हम बोल रहे हैं एक्चुअली में कि मॉडिफिकेशन हो रहा है, बट एग्जैक्टली हम अभी समझेंगे कि मॉडिफिकेशन ही नहीं होता, कई बार नेगेटिव भी चली जाती है चीजें। तो लास्ट इस केस में क्या हुआ, थर्ड केस में कोई एंजाइम नहीं बन रहा, कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो चार तरीके के मॉडिफिकेशन हुए, कौन से, एक तो हमारा साइलेंट मॉडिफिकेशन, हम नॉर्मल मॉडिफिकेशन को क्या, ये नॉर्मल हुआ इसको साइलेंट भी बोलते, पता ही नहीं चल रहा, सिर्फ जेनेटिक कोड में इंटरनली कुछ चेंजेस आ गए हैं, एक्सटर्नली हमें कुछ पता नहीं चल रहा। और सेकेंड कंडीशन में क्या है, लेस एफिशिएंट बना है, मतलब बन तो रहा है लेकिन एग्जैक्टली रेड कलर नहीं दे रहा। फिर क्या हुआ, एक में फंक्शन ही नहीं कर रहा किसी भी तरीके का, एंजाइम तो पर काम नहीं कर रहा, एंड नेक्स्ट क्या है, कोई एंजाइम ही नहीं बना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके यहां पर फर्स्ट में जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, इस प्लांट की स्पीशीज बनी थी, तो यहाँ पर क्या था, वाइल्ड ही था, और वाइल्ड का अपना एक कोड था, दोनों जगह वाइल्ड ही होगा क्योंकि अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। देन क्या होगा कि धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता चला जाएगा, और ऐसा नहीं है कि मॉडिफिकेशन कहीं रुकता है, ये तो आपको सोचना ही नहीं है, अभी भी मॉडिफिकेशन इस प्लांट में आज की डेट में भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसे तीन कोड बना के रुक जाएगा, आप कुछ नहीं कह सकते, वो तो बनाता रहेगा, जब तक स्पीशीज है तब तक बनाता रहेगा। तो सेम जगह पर अब अलील डेवलप हो गए, यहाँ तो वाइल्ड वाइल्ड अलील थे एंड नए नए अलील डेवलप हो गए, कौन कौन से अलील डेवलप हो गए, एक तो अलील था जो नॉर्मल था बट साइलेंट था, कोडिंग चेंज हो गई, ठीक है, नॉर्मल काम कर रहा है बट म्यूटेशन कौन सी है, साइलेंट। दूसरा जो डेवलप हुआ है वो कौन सा है, लेस एफिशिएंट अलील, ठीक है। थर्ड टाइप का जो अलील डेवलप हुआ है वो क्या कर रहा है, नो एंजाइम, ठीक है। सो एंड एक है नॉन फंक्शनल एंजाइम, सो यहां पर कौन सा बन गया, नॉन फंक्शनल। तो हमारे पास टोटल चार तरीके की मॉडिफिकेशन आ गई है, चार तरीके के नए अलील डेवलप हो गए हैं। सो हम जो स्टडी कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या स्टडी करा था, यहाँ पर हमने स्टडी करा था कि कोई भी अलील हो सकता है, अभी हम डायबिटीज का एग्जांपल लेके भी समझेंगे। अनमॉडिफाइड मतलब फर्स्ट टाइम जो उसके अंदर अलील बना था, अलील दोनों साइड पर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, यही होगा फर्स्ट में, तो दोनों में वाइल्ड है, वाइल्ड है, दोनों में ही वाइल्ड है, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन होता चला गया एंड फर्दर नए नए अलील क्या होते चले गए, डेवलप होते चले गए। तो हमने जो ह्यूमन आई कलर देखा था,
कितने टाइप के अलील डेवलप हुए थे ह्यूमन आई कलर में, हमको पता है ना, पहले क्या था, एक ब्लैक कलर का था, एंड हमने देखा था कि ये देखो ब्लैक कलर का था सबसे पहले, एंड उसके बाद कितने तरीके के ब्लैक कलर से, हेजल एंड ग्रे एंड ब्लू एंड ग्रीन, सो मेनी आई कलर्स वर डेवलप्ड। और आप ये नहीं कह सकते कि अभी रुक गया मॉडिफिकेशन, ये तो मॉडिफिकेशन तो क्या है, कंटिन्यूअसली चलता ही चला जाएगा, आप मॉडिफिकेशन नहीं रोक सकते। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा आपके लिए समझने वाला या एक नॉर्मल चीज है। देखो सपोज करो कि जब ह्यूमन स्पीशीज बनी थी तो उस टाइम पर एक अलील था, ह्यूमन स्पीशीज जब बनी थी सो देयर वाज अलील, ये अलील है ठीक है, आपके किसी क्रोमोसोम पर एक अलील है, अलील शुरुआत में ठीक है। पहले आपने सुना होगा कि बहुत पहले जमाने में किसी को डायबिटीज होती नहीं थी, थायराइड ही नहीं होती थी, लोग सुनते ही नहीं थे कि डायबिटीज हो रही है, थायराइड हो रही है, पर बहुत ज्यादा एज हो जाती थी फिर भी उन्हें वो बीमारी का पता ही नहीं, होती नहीं थी वो बीमारी ठीक है। तो ये समझ लीजिए बहुत प्रिमिटिव जनरेशन के ह्यूमंस हैं, एंड यहाँ पर इनका एक अलील है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन नॉर्मल ठीक है। तो ये कौन सा हुआ हमारा, वाइल्ड हुआ ठीक है। अब वाइल्ड ही एक ही है, यहाँ भी यही अलील है, ये इसका कोड है ठीक है, अनमोडिफाइड, मतलब नेचर ने दिया है, आपने ये हमको नेचर ने प्रोवाइड करवाया है, एंड इसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज या मिलावट नहीं है, तो ये नॉर्मल है ठीक है। तो नॉर्मल क्यों कहा, क्योंकि पहले जितने भी ह्यूमंस होते थे, जितने भी तरीके के, सबके तरीके मीन्स रेसेस है ना, जैसे इंडियन ब्रीड अलग हो गई, एंड नीग्रो अलग हो गए, एंड पोलर रीजन्स पे हो गए, वो सारे के सारे, सो नॉर्मल एक बिल्कुल नॉर्मल ब्रीड थी, सॉरी नॉर्मल जीन था सारे का तो मैं सारा। पहले भी अलग अलग थे क्या? हाँ पहले तो साउथ अफ्रीका में थे कि सब पहले भी अलग अलग थे क्या नहीं, ब्रीड? पहले जब साउथ अफ्रीका से फिर पूरे अपन जगह अलग अलग जगह पर आए ना, तब तक की बात कर रही हूँ मैं, तो ह्यूमन तो अभी की तो ह्यूमन बने हुए तो पता नहीं कितने मिलियंस ईयर हो गए। तो शुरुआती दौर में किसी को डायबिटीज नहीं होता था, आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे अगर किसी के हैं तो बोलेंगे नहीं हमको डायबिटीज नहीं है, हमें पता भी नहीं डायबिटीज क्या है ये, और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तब भी डायबिटीज नहीं ठीक है। तो डायबिटीज अभी पिछले 50 या 100 सालों में बहुत ज्यादा फैल गया, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो आपका अलील है ना, अलील है ये, अलील ये तो लोकेशन तो क्या है हमारी, जीन हो गई, जीन को हम क्या बोलते हैं, लोकस, यानी इस लोकेशन से डिसाइड हो रहा है। अभी आपका कोई सा भी क्रोमोसोम हो सकता है, अभी नहीं पढ़ना हमें, 1 to 22 नंबर का कोई सा भी क्रोमोसोम हो सकता है, एंड वन यू आर गेटिंग फ्रॉम फादर एंड वन यू आर गेटिंग फ्रॉम मदर, सो कोई भी हो सकता है, हमको नहीं पता, हमें वो अभी पढ़ना नहीं है। सो यहाँ पर जो जीन था, यहाँ पर एक्टिव डीएनए, व्हाट इज अवर जीन, एक्टिव डीएनए, एक्टिव डीएनए इज अवर जीन ठीक है। तो ये एक्टिव डीएनए का नॉर्मल कोड है ठीक है। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब आपको बीमारी नहीं देगा, इंसुलिन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होगा, तो किसी तरीके की कोई बीमारी, किसी तरीके की कोई डिजीज नहीं होने वाली है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमंस की फूड की जो हैबिट है ना, वो चेंज होती चली गई, लाइफ स्टाइल चेंज होती चली गई, बहुत सारे हम केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें यूज में लेने लग गए कि आपका जो नॉर्मल कोड है ना, ये हमारा कोड है, जेनेटिक कोड ठीक है, ये हमारा क्या है, जेनेटिक कोड है, आपको पता है जेनेटिक कोड है, ये हमारा जीन है, एंड वॉट इज जीन, हमारा एक्टिव डीएनए है, एक्टिव डीएनए ठीक है। इसी को आप डायबिटीज का सपोज कर लीजिए, तो पहले तो सिर्फ वाइल्ड ही होता था, जितने भी लोग होते थे दुनिया में सबके पास वाइल्ड ही होता था, फिर हमने लाइफ स्टाइल चेंज कर ली, अब चेंजेस आ गए ठीक है, चेंजेस क्या आ गए, मॉडिफिकेशन हो गया फूड लाइफ स्टाइल की वजह से, तो आप देखो कोड चेंज हो गया, AGCT AG, एंड यहाँ तीनों पर आप ध्यान से देखेंगे तो कोडिंग क्या हो गई है, पूरी की पूरी चेंज हो गई है। सो अब कोडिंग में वही चार तरीके से कोडिंग चेंज होगी, एक तो क्या है, कोडिंग तो चेंज हो रही है लेकिन डायबिट इंसुलिन नॉर्मल है ठीक है, मतलब फर्स्ट वही है। एक साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन वही साइलेंट म्यूटेशन की कुछ गड़बड़ तो आपने कर दी लेकिन पता ही नहीं चला, पूरी लाइफ चेंज तो हो गया लेकिन वो इंसुलिन बना रहा है, साइलेंट म्यूटेशन इंसुलिन बन रहा है और जितना हमें चाहिए उतना बन रहा है ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि इस तरीके का चेंजेस आ जाए कोड में कि लेस एफिशिएंट एंजाइम बन जाए या लेस एफिशिएंट केमिकल बन जाए, तो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन एफिशिएंसी कम है उसकी, तो डायबिटीज शो करेगा ठीक
ठीक है, डायबिटीज शो कर रहा है लेकिन इतनी ज्यादा शो नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा शो नहीं कर रहा। थर्ड कंडीशन में क्या है कि इंसुलिन कुछ बन तो रहा है बट फंक्शनली नहीं है, नॉन फंक्शनली है, चेंजेस हो गया कोडिंग में तो नॉन फंक्शनल एलील बन गया हमारा। एंड फोर्थ कंडीशन में क्या हुआ, इंसुलिन ही नहीं बन रहा। आपको पता है वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज काफी कम होती है एंड बहुत कम एज में, मतलब 3-4 साल की एज में उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ जाते हैं। बाकी तो आपने देखा होगा डायबिटीज वाले सिर्फ एक टेबलेट लेकर के काम चला लेते तो थोड़ा बहुत तो बन रहा है ना, तो वो तो यहाँ इस कैटेगरी में आ रहा है, थोड़ा बहुत बन रहा है, ठीक है। और जिनकी साइलेंट म्यूटेशन है, हम में से बहुत सारों की हो सकती है साइलेंट म्यूटेशन, तो क्या टेंशन है, साइलेंट म्यूटेशन है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, बन तो रहा है ना इंसुलिन। एंड लेस एफिशियंट जो टाइप 2 वाले होते हैं, मतलब टाइप होती है डायबिटीज की 1, 2, 3, सो उतना डिटेल में हमको भी नहीं जाना, बट ये वो एक गोली लेके टेबलेट लेके काम चलाते हैं। नॉन फंक्शनल कोई मतलब ही नहीं है, बन रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, एंड फाइनली बन ही नहीं रहा, ठीक है, बन ही नहीं रहा, नॉट प्रोड्यूसिंग। तो ये वो लोग हैं या छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी कुछ गलत खाया ही नहीं है लेकिन प्रॉब्लम हो गई कुछ जेनेटिक की, उनको सीधा इंसुलिन देना पड़ रहा, बन ही नहीं रहा। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो गया है और अलग अलग तरीके के क्या बन गए हैं, अलील बन गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका नॉर्मल होता है ना, जो हमें नेचर से मिला हुआ था कभी प्लांट में या एनिमल में जो भी है, फंगस में, वो नॉर्मल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और वो नॉर्मल ही इसलिए बोला है क्योंकि जिसमें नॉर्मल है उसमें इंसुलिन अच्छा प्रोड्यूस होगा तो उसे डायबिटीज नहीं होगी, या जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो गया चलेगा। तो नॉर्मल क्यों बोला, ताकि वो आपको नॉर्मल फील कराए, ठीक है। ऐसे कैंसर का भी होता है कि कैंसर नहीं होने का हमारे पास एक अलील था शुरुआत में, जिसका एक कोड था बहुत पहले जो हमें नेचर ने दिया था, जिसकी वजह से हमें कैंसर नहीं होता था, वो नॉर्मल कंडीशन थी। बट धीरे धीरे लाइफ स्टाइल बदल गई, आपको पता है कितनी वर्स्ट लाइफ स्टाइल हो गई आजकल हम लोगों की, तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो गया एंड फिर कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मल नाम क्यों दिया, आपको जो वाइल्ड जीन था जो नेचर ने आपको दिया है, और अनमॉडिफाइड आपको पता है ना, हम कहते हैं कि नेचुरल कह सकते हैं आप इसको, दिस इज नेचुरल, नेचर ने दिया है, नो चेंजेस। तो ये नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करवाता है आपको या नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोवाइड करवाता है। और जब इसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लाइफ स्टाइल को ही ब्लेम करें कि लाइफ स्टाइल की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से या एनवायरमेंट की वजह से, ऐसा नहीं है, ये फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं। बट कई बार ऑटोमेटिकली इस तरीके से जेनेटिक कोड में चेंज हो जाता है या म्यूटेशन क्रिएट हो जाती है, सो हम कुछ स्पेसिफिक नहीं दे सकते। बट कई मामलों में जैसे डायबिटीज है, ठीक है, तो अब डायबिटीज को आप वाइल्ड को कैसे लिखेंगे, डायबिटीज के ये हमारा डायबिटीज का वाइल्ड था, ठीक है, एंड वाइल्ड के बाद जो जो निकले हैं अभी नए नए निकल करके आ रहे हैं इतने सारे, तो उनमें से कोई डोमिनेंट होगा, ठीक है, एंड कोई क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो आपको लिखना है, तो वाइल्ड तो हमेशा डोमिनेंट ही होता है, वी नो दिस। और कितनी अच्छी बात है कि वाइल्ड डोमिनेंट होता है, क्योंकि अगर आपके वाइल्ड ही हमेशा जीतने वाला है ना, वाइल्ड क्या करेगा, हमेशा जीतेगा। ये आपका वाइल्ड है कोई भी जीन, ठीक है, और आपको नेचर ने प्रोवाइड करा था, तो आपको पता है कि आपको नेचर ने बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करी थी, ये आपका वाइल्ड है और ये हमेशा क्या है, डोमिनेंट है। अब यहाँ पर वाइल्ड के अलावा कोई सा भी आ जाए, वो जो साइलेंट म्यूटेशन हुई थी, मतलब म्यूटेशन तो हुई थी लेकिन फंक्शनल नॉर्मल कर रहा था, एंड या फिर यहाँ पर वो आ जाए जो लेस एफिशियंट था, या फिर यहाँ पर वो आ जाए जो फाइनली नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा था, या फिर यहाँ पर वो आ जाए जो फाइनली कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा था, ठीक है, नॉन फंक्शनल पर कुछ बना रहा है, प्रोडक्ट तो बना रहा है, नॉन फंक्शनल है बट बना तो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर तो नो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा कुछ। हर केस में वाइल्ड ही जीतने वाला है हमारा, ठीक है, इनमें से कोई होगा ना, कि जैसे यहाँ पर जो अलील बने, दिस अलील, तो हो सकता है यहाँ पर अगर ये अलील आ जाए, सपोज करो लेस एफिशिएंट, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाए आपका नॉन फंक्शनल, ठीक है, तो इनमें से कोई डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है, वो हम कुछ नहीं कह सकते, वो डिटरमाइन होगा। बट ये हमें ध्यान रखना है कि वाइल्ड हमेशा विनर है, तो कितनी अच्छी बात है कि आपका जो नॉर्मल जीन है या आपका जो नेचुरल जीन है, अलील, सॉरी, वी कैनॉट से जीन, वी हैव टू से अलील, आपको पता है जीन और अलील में क्या फर्क है, ये तो हमेशा विन कंडीशन में। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आपके साथ कोई उल्टा आ गया है, कोई गलत म्यूटेशन की वजह से हो गया है, तो वाइल्ड हमेशा जीतने वाला है, तो जीतेगा तो हमको फायदा देने वाला है,
इसलिए वाइल्ड जीन की खासियत ये भी है कि डोमिनेंट होता है, और नेचर ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है इन मामलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। यू आर अवेयर ऑफ दिस, क्या होता है होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस? ये आपका क्रोमोजोम है। अच्छा मेरे को ये बताओगे कि ये क्रोमोजोम एस फेज से पहले का है या बाद का है? पहले का है। वेरी गुड, ठीक है। और बाद का होगा तो क्या शो होगा, कुछ दिखता है उसमें बाद वाले में स्पेसिफिक? होमोलोगस क्रोमोजोम्स, यही होमोलोगस क्रोमोजोम, क्रोमेटिड दिखते ना सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड दिख रहे थे। ठीक है, तो ये अभी हमारे सेल डिवीजन जोन में जाने के मूड में नहीं है अभी, ठीक है। ये तो हमारा होमोलोगस क्रोमोजोम है। सो ये क्रोमोजोम है, आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होते हैं? हमारे 22 तक होते हैं ऑटोसोम, और हम ऑटोसोम की ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो ये क्रोमोजोम है एंड दिस इज, ठीक है। अभी आप एक ही पेयर की बात करेंगे, हम एक ही पेयर की बात कर रहे हैं। एक ही पेयर मतलब ये भी आपने सेकंड नंबर का पेयर कंसीडर कर लो, और ये भी सेकंड नंबर का पेयर कंसीडर कर लो। एंड ये अलग अलग ह्यूमन है, मतलब ये कोई अलग ह्यूमन है, ठीक है, एंड दिस इज अनदर ह्यूमन, बट दोनों के सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं। सो क्या होगा इसके अंदर, होमोजाइगस में अगर यहाँ पर चार, हमको एक तो हमारे पास वाइल्ड था, हमको पता है एक तो हमारे पास वाइल्ड था, ठीक है। हम में से बहुत सारों के पास वाइल्ड है, और कुछ हम में से इतने ज्यादा लकी लोग हैं कि दोनों पे ही वाइल्ड है, इतने लकी हैं कि म्यूटेशन वाला कुछ आया ही नहीं, हमारे सारे फंक्शन नॉर्मल है, हम हमेशा विन विन कंडीशन में, कोई टेंशन नहीं है। एक तो वाइल्ड था, ये तो हमारा वो वाला था अलील जो कि म्यूटेशन जोन में नहीं गया था, नेचर ने दिया था। एंड चार तरीके के और थे हमारे पास, कौन कौन से थे चार तरीके के? एक तो था हमारे पास, रिवाइज करते रहो, एक तो था हमारे पास साइलेंट म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन तो हो रहा है लेकिन साइलेंट हो रहा है, तो क्या करेगा, नॉर्मल फंक्शन करेगा। एंड तीसरा कौन, नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास जो कि लेस फंक्शन है, कम फंक्शन कर रहा है, ये भी ठीक है, इससे भी काम चल जाता है कभी कभी। एंड फोर्थ वाला नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट, नॉन फंक्शन प्रोडक्ट तो बना रहा है बट फंक्शनल नहीं है, तो ये तो नॉर्मल है, और ये हमारे क्या मॉडिफिकेशन है। और एक और बना था, इट वाज नो प्रोडक्ट। सो अगर यहां पर, ठीक है, इस जगह पर अगर वाइल्ड है, ठीक है, और ये भी वाइल्ड है, ठीक है, या फिर ये साइलेंट वाला है, साइलेंट म्यूटेशन मतलब जिसमें हमको कोई कोई फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वही है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ पर भी साइलेंट वाला है, ठीक है, यही जगह पर हो सकता है वाइल्ड हो, दोनों जगह पर हो सकता है, दोनों जगह पर नॉर्मल फंक्शन वाला हो सकता है दोनों ही जगह पर लेस फंक्शन वाला हो, लेस फंक्शन वाला यहाँ पर भी, लेस फंक्शन वाला यहाँ पर भी, और हो सकता है दोनों अलील नॉन फंक्शनल हो। इट इज पॉसिबल कि दोनों अलील क्या है, नॉन फंक्शनल। ये भी पॉसिबल है कि दोनों अलील ऐसे हो जो कि किसी भी तरीके का प्रोडक्ट नहीं बना रहे, देयर इज नो प्रोडक्ट। तो अगर दोनों अलील सेम है, व्हेन द टू अलील्स आर आइडेंटिकल, अब डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव किसके एस्पेक्ट में देखेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के, कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। ये जितनी भी पॉपुलेशन होती है ना, मतलब जितने भी ह्यूमन है, अपन ह्यूमन का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे बिकॉज हम खुद ही ह्यूमन है, अपने बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग, बाकी प्लांट और फंगस वगैरह सभी सेम रूल फॉलो करते हैं। सो अब वाइल्ड तो डोमिनेंट है, बट इसमें से कौन डोमिनेंट एंड कौन रिसेसिव, ये बच्चों डिपेंड करता है कि किस चीज की आप बात कर रहे हैं। आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं, आप थायराइड की बात कर रहे हैं, या ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो सारी बीमारियां करप्टेड की वजह से हुई है, मॉडिफिकेशन की वजह से हो रही है। सो इनमें से डायबिटीज के लिए हो सकता है ये डोमिनेंट हो जाए, एंड हो सकता है कि ब्लड प्रेशर के लिए ये वाला डोमिनेंट हो जाए, या हो सकता है कि थायराइड के लिए ये साइलेंट वाला डोमिनेंट हो जाए, ठीक है। ये तो हमेशा ही डोमिनेंट है, ये तो विन विन कंडीशन है, बट बाकी में कौन सा डोमिनेंट है, या आप स्पेसिफिक डिजीज या स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पर कह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा लेस फंक्शन वाला ही डोमिनेंट रहेगा या साइलेंट वाला ही डोमिनेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो जब दोनों अलील सेम है, बिल्कुल सेम है,
ठीक है, दोनों अलील अगर बिल्कुल सेम है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, बट सेम होने चाहिए, दोनों तरफ सेम होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? होमोजाइगस कंडीशन. होमो मीन्स होता है सेम, एंड जाइगस आया है जाइगोट से. ध्यान रखो जाइगोट क्यों बोला, बिकॉज वन क्रोमोजोम वी आर गेटिंग फ्रॉम फादर एंड वन क्रोमोजोम वी आर गेटिंग फ्रॉम मदर, एंड वन अलील वी आर गेटिंग फ्रॉम फादर एंड वन अलील वी आर गेटिंग फ्रॉम मदर. बट यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, तो ये तो होमोजाइगस हो गया, एंड हेट्रोजाइगस में क्या होगा? इन हेट्रोजाइगस ये यहाँ पर अगर वाइल्ड हो गया, तो यहाँ पर सपोज कीजिए ये नॉर्मल फंक्शन वाला आ गया, ठीक है, यहाँ पर अगर नॉर्मल फंक्शन वाला आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? लेस फंक्शन वाला आ गया. कहने का मतलब ये है कि दोनों अलील सेम नहीं होने चाहिए. When one allele is dominant, one is recessive, और both could be recessive. ऐसा नहीं है, ये दोनों recessive की तरह भी behave कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि दोनों dominant हैं. ठीक है, dominant तो ये बाकी recessive है. Dominant हम particular नहीं कह सकते, हर factor के लिए हर character के लिए अलग जाएगा ये. So when one allele is dominant, one is recessive, और both could be recessive, दोनों recessive हो सकते हैं. ठीक है, ये जो आपकी definition है, ये आपको mostly books में, mostly internet पे यही चीज मिलेगी. एंड ये बहुत शेलो लेवल पर चली जाती है, ज्यादा समझ में नहीं आता कि एक रिसेसिव डोमिनेंट का कंसेप्ट है. अब हमारे पास चार तरीके के अलील हो गए हैं, ये हमको ध्यान रखना है. सो दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, बोथ रिसेसिव. ठीक है, सपोज करो कि यहां पर, ठीक है, यहां पर एक लेस फंक्शन वाला था और यहां पर क्या था? नॉन प्रोडक्ट वाला. तो दोनों के दोनों रिसेसिव हुए, तो हो सकते हैं ना दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में. बट अगर दोनों रिसेसिव कंडीशन में है, तो एक डेफिनेटली इनमें से क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा. दो कोई भी अलील आ गए, ठीक है, तो एक क्या होगा? दोनों में से डोमिनेंट और एक रिसेसिव आपस में मैनेज कर लेंगे, किसको डोमिनेंट जाना है किसको रिसेसिव जाना, वो आपस में सेट कर लेंगे, वो अभी अपनों को नहीं समझना. सो यहां पर दोनों अलील क्या है? अलग अलग हैं. यहाँ पर सारे अलील्स क्या आ रहे थे? सेम आ रहे थे. यहाँ पर दोनों अलील्स क्या आ रहे हैं? टोटली डिफरेंट हैं. और जब दो अलील आएंगे अलग अलग तरीके के, नॉर्मल फंक्शनिंग एंड लेस फंक्शनिंग, तो एक अपने आपको डिटरमाइन कर लेगा डोमिनेंट, एक अपने आपको डिटरमाइन कर लेगा रिसेसिव. हो सकता है किसी डिजीज में ये डोमिनेंट हो जाए, किसी डिजीज में ये रिसेसिव हो जाए, वी कैन नॉट से. बट दोनों अलील अलग हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों के जेनेटिक कोड क्या होंगे? अलग अलग. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील, अलग अलग टाइप के अलील हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हेटरोजाइगस कंडीशन. क्या आपको ध्यान रखना है? होमोजाइगस बोथ अलील्स आर सेम, एंड हेटरोजाइगस बोथ अलील्स आर डिफरेंट. डोमिनेंट और रिसेसिव का आपको समझ में आ गया है? दोनों ध्यान रखोगे, दोनों रिसेसिव हैं, ठीक है, दोनों रिसेसिव कंडीशन है. दोनों किसके सामने रिसेसिव है? इस वाइल्ड के सामने रिसेसिव है. ठीक है, जैसे ये हमारा वाइल्ड है, दिस इज अवर वाइल्ड. ठीक है, अब वाइल्ड के सामने तो कोई सा भी आया तो रिसेसिव ही होगा. ये हमारा वाइल्ड, और वाइल्ड के सामने कोई सा भी क्या आया? रिसेसिव होगा. तो वाइल्ड डोमिनेंट और ये क्या है? हमारा रिसेसिव है. और अगर दो रिसेसिव सामने आ गए तो एक डोमिनेंट बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? रिसेसिव बन जाएगा. ऑटोमेटिकली वो अपसेटिंग हो जाएगी. सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशन किस बेस पर डिटरमाइन होती है? तो ये ह्यूमन तो हो गया होमोजाइगस, और ये ह्यूमन क्या हो गया? हेटरोजाइगस, और ये ह्यूमन भी क्या हो गया? हेटरोजाइगस हो गया है. ठीक है, कोई डाउट आ रहा है? बच्चों नो, बाकी बच्चों को कोई डाउट आ रहा है? ये याद करने हैं चार, ये चार याद कर लेना भैया टिप्स पर, एक पॉज कर लेना अपने मोबाइल या कंप्यूटर को, एंड ये नोट कर लेना प्लीज, ये नोट कर लेना, एंड इसको अच्छे से ये आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, ये चार्ट ऐसा कैसा याद कर लेना, बहुत काम आएगा तुम्हारी बायो जेनेटिक्स
90% यही क्लियर हो जाएगी. ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द क्लास, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को टेक्स्ट कर लेना. चलो मैम, आप ये वीडियो मैम डालोगे ना मैम? हाँ, सारे डाल रखे हैं मैंने अपने ऐप के अंदर, देख लेना. अभी तक जो भी क्लास लिए ना, सबकी वीडियो है उसके अंदर. ठीक है, आप लोगों को टेक्स्ट करती रहती हूँ, वीडियोस के सारे मिल जाएंगे. जो भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको. अभी देख लेना आप, ये तीन तो पहले के और ये आज शाम तक डाल दूंगी. ठीक है, ओके मैम.